हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पेल्टन टर्बाइंस को आधा खत्म किया था और ये वाले वीडियो में हम अपनी पेल्टन टर्बाइंस के पूरी चीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस वाले वीडियो में क्या देख लिया था, वेलोसिटी ट्रायंगल्स हमने बना लिया था और इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बातें कर ली गई थी। ठीक है, वो हम और हमने वहां पे क्या दो चीजें की जरूरत पड़ेगी, VW1 की जरूरत पड़ेगी हमें और VW2 की जरूरत पड़ेगी, हमने वो चीज अपने ट्रायंगल से देख लिया था, वेलोसिटी ट्रायंगल से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीधा कि जब जेट स्ट्राइक करेगा तो वो एक्स डायरेक्शन में कैसी फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो हमारा जेट है वो पेल्टन व्हील के बकेट्स के ऊपर कैसी फोर्स एग्जर्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन में। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब हम बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं हमारी एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा। एफ एक्स का एक्सप्रेशन आएगा हमारा रो ए वी वन ब्रैकेट में VW1 प्लस VW2। ठीक है, ये क्या आएगा, हमारा एफ एक्स का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन कैसे डिराइव हुआ इसके बारे में जानने के लिए, तो हमने इस एक्सप्रेशन को पहले ही ऑलरेडी डिराइव कर चुका है। ये किसका एक्सप्रेशन है, ये कब जब फोर्स एग्जर्ट कोई एक जेट किसी कर्व प्लेट को टेंजेंशली स्ट्राइक करता है और उसमें वो फोर्स एग्जर्ट करेगा और तब जब वो प्लेट अनसिमेट्रिकल हो, ये उसका केस है। यदि आप और अच्छे से इस केस को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर 4 देख सकते हैं। ये वीडियो आप, ये जो वीडियो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको मिल जाएगा। आप लेक्चर 4 में जा सकते हैं और वहां पे आप वो केस देख सकते हैं जिसमें हमने ये चीज डिराइव करी है। वो कौन सा केस है, व्हेन फोर्स एग्जर्टेड बाय अ जेट, व्हेन जेट स्ट्राइक टेंजेंशली टू अ कर्व्ड प्लेट एंड प्लेट इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये उसका केस है। तो वहां पे हम इस चीज को डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी इंपैक्ट ऑफ जेट में। हम यहां सीधा क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की और डिटेल्स देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, यहां पे हम प्लस साइन यूज कर रहे हैं, प्लस साइन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमने ये चीज देख चुकी है कि जो हमारा बीटा है वो क्या है, देखिए यहां पे 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस साइन यहां पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने एक्सप्रेशन में। तो बीटा क्या है, यहां पे 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसलिए हम यहां पे प्लस साइन यूज कर रहे हैं। 90 डिग्री से बड़ा होता तो क्या करते हैं, माइनस साइन यूज करते, और यदि 90 डिग्री के बराबर होता तो VW2 वाली टर्म क्या हो जाती, हट जाती। ठीक है, अब एक और चीज, ये क्या है, हमारा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ही है। ठीक है, और ये क्या है, दोनों वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। वही चीज तो हम लिखते थे V1x, V2x। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या होता है, हमारा मास फ्लो रेट होता है। ठीक है, अब हम यहां पे मास फ्लो रेट के बारे में देखते हैं कि m डॉट का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रो ए वी आर वन, और एक और जो हमने यूज किया यहां पे वो क्या है, रो ए वी वन। ठीक है, तो जो केस के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पेल्टन व्हील के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो जब नंबर ऑफ ब्लेड्स लगते हैं तो हमारा मास फ्लो रेट का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला होता है, रो ए वी वन वाला होता है। ठीक है, इस केस में हम रो ए वी आर वन वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारा गलत होगा, हम V1 वाला यूज कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारी सिंगल प्लेट होती तब हम ये वाला यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहां F के एक्सप्रेशन में क्या लिखा है, रो ए V1 लिखा है। ठीक है, अब ऐसी ही हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या कैलकुलेट करते हैं, हम वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट करते हैं, और इसका क्या होता है, Fx into U। Fx की वैल्यू क्या है हमारी, रो ए V1 VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन पर सेकेंड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी ऐसी ही हम क्या कर सकते हैं, पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी पावर, पावर गिवन बाई वॉटर टू रनर।
ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, रनर पावर बोलते हैं अपनी, ठीक है। तो और पावर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं, यही तो है हमारा पावर का ही एक्सप्रेशन है। यदि इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, किलो वॉट में मिल जाएगा। रो ए वी वन ब्रैकेट में वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू बाई 1000। यदि मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन किस में मिल जाएगा, मुझे किलो वॉट में मिल जाएगा। एक और तरीके से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, कैसे, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। यहां से हम देख सकते हैं कि पर सेकेंड कट जाएगा। एक और चीज, हम जो यहां पे वेट का एक्सप्रेशन लेते हैं W इज इक्वल टू एम इन टू जी, ठीक है, हमारा यहां पे क्या होता है, ये m डॉट होता है, मतलब ये क्या होता है, यहां पे मास फ्लो रेट होता है, ठीक है। तो उस केस में हम अपना W भी तो वही लेते हैं, क्या, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है, W के ऊपर डॉट नहीं लगा सकते, बट फिर भी हम अपना W भी तो वही होता है कि जो हमारा वेट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, पर सेकेंड स्ट्राइक करते रहता है, ठीक है। तो हम यहां पे ये चीज यूज कर सकते हैं, इस चीज को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल हमारा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है, वर्क डन पर यूनिट वेट से उसको हम वेट से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रो ए वी वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू डिवाइड में, अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट जी, ठीक है, और यहां पे जो हमारा एम होता है मास फ्लो रेट, वो क्या होगा, वही होगा रो ए वी वन ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो रो ए वी वन है और ये रो ए वी वन क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, यू बाई जी ब्रैकेट में वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, यूनिट्स की बात करें तो न्यूटन बाई न्यूटन, न्यूटन मीटर बाई न्यूटन ही होगी इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट ऑफ वेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। अब हम एक और चीज की बात कर सकते हैं, हम यहां काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि जेट की काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड निकालेंगे हम, सारी चीजें क्या, पर सेकेंड निकालते हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हम यहां पे क्या लेंगे, वी वन ले लेंगे क्योंकि वही हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहां पे फिर हम यदि अपनी एम डॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ रो ए वी वन क्यूब हो जाएगा, हाफ रो ए वी वन की पावर थ्री, ये क्या आ जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हम ये चीज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालेंगे। तो चलिए अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन देखते हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली जेट की, अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जब पढ़ा था हेड्स एंड एफिशिएंसीज के बारे में, तो हमने वहां हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी एच क्या होती है, रनर पावर बाई वाटर पावर, ठीक है, मतलब वाटर कितनी अपनी एनर्जी रनर को देता है, ठीक है, और वाटर के पास जितनी एनर्जी वो अपनी पूरी उसको दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ये बताएगी हमें क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। अब यदि हम यहां अपना एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो हमारा रनर पावर का एक्सप्रेशन क्या आया है, रो ए वी वन ब्रैकेट में वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू, यही हमारा रनर पावर का एक्सप्रेशन, डिवाइड बाई वॉटर पावर। वॉटर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, हाफ रो ए वी वन की पावर थ्री, ठीक है। अभी हम देख चुके हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, अब इसके बारे में और बात करते हैं। अब एक चीज देखिए, जब हमने वहां पढ़ा था हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में, तो वहां पे क्या था, रनर पावर बाई वाटर पावर, और हमने वहां पे वाटर पावर को क्या लिया था। अब वाटर पावर की बात करें तो वाटर पावर क्या होती है कि जो वाटर है जो हाइट पे स्टोर्ड है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी लेके आ रहा है, ठीक है, और उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पे वाटर पावर के एक्सप्रेशन में हमारा
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट जी इंटू एच नेट, एच नेट क्या आता था हमारा नेट नेट हेड, ठीक है। तो यहाँ वाटर पावर में हमारा फॉर्मूला तो एम डॉट जी इंटू एच नेट आना चाहिए, बट जब भी हम पेल्टन टर्बाइन्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, आप कोई भी बुक में देखिए, तो वहां पे हम ये रो ए वी वन क्यूब लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह जगह में जनरली लोगों को डाउट होता है। तो चलिए इसके पहले हम एक चीज और देखते हैं, क्या है मेन हमारा मुद्दा, कि हमारी वाटर पावर तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ये मेन हमारा मुद्दा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नोजल की एफिशिएंसी 100% मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोजल की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यदि हम नोजल का सेक्शन लें, ठीक है, ये है हमारी नोजल, इसको हम अपना 0.1 मान लेते हैं और इसको हम अपना 0.0 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, कि ये नोजल के सामने वाला पोर्शन है, नोजल के जो इनलेट होगा यहां पे एनर्जी हमारी क्या होगी, एम डॉट जी एच नेट, यही होगी बॉटल की पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो अपने एग्जिट से अपनी एनर्जी पूरी कन्वर्ट कर देगा, तब यहां पर क्या होगी, हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों एनर्जी होगी यहां। तो यदि हम नोजल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी नोजल क्या होगी, आउटपुट बाय इनपुट ही होती है एफिशिएंसी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट पावर क्या मिल रही है हमें, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर बाई एम डॉट जी एच नेट, ठीक है, ये क्या मिलेगी हमें, नोजल की एफिशिएंसी। अब हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, रनर, रनर बोल सकते हैं या बकेट बोल सकते हैं, या हम व्हील एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं कि रनर और व्हील की एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो यदि हम व्हील की एफिशिएंसी W लिख लेते हैं, व्हील से डिनोट कर लेते हैं, तीनों चीज सेम है, ठीक है, तो यहां पे भी ऑब्वियसली क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट ही होगा। ठीक है, आउटपुट पावर हमें क्या मिल रही है, आउटपुट पावर हमें मिल रही है क्या, रनर पावर। ऑब्वियसली बात है, जो व्हील है रनर है वो आउटपुट में क्या होगा, उसके रनर पावर ही देगा। और यदि हम इनपुट में देखें, तो इनपुट में क्या है, नोजल लगी हुई है, नोजल की काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो यहां पर इनपुट की एनर्जी क्या है, हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है वो यहां पे सेम हो रहा है, कैसे, रनर पावर बाई, आप देख सकते हैं यहां पे वाटर पावर, आप हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर ले रहे हैं। तो यहां पे ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहली चीज तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या चीज मान रहे हैं, एक तो चीज हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो नोजल की एफिशिएंसी है वो क्या है, 100% है, सबसे पहली चीज ये मान रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों इक्वेट हो जाएंगी, मतलब जितनी ये एनर्जी ये थी उतनी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें। और ऑब्वियस ही बात है, ये वाली टर्म यहां पे आती है वाटर पावर में, मतलब वो वहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देख लिया कि नोजल की एफिशिएंसी 100% मान रहे हैं, इसलिए यहां पे हमने जब पहले वाटर पावर लिखा था तो वहां पे एम डॉट जी एच नेट लिखा था, यहां पे नहीं लिखा। ठीक है, अब सेकंड चीज, हमने ये एफिशिएंसी के बारे में क्यों पढ़ा, रनर बकेट और व्हील की एफिशिएंसी, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन भी और इसका एक्सप्रेशन सेम है, आप देखिए रनर पावर बाई हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस केस में, पेल्टन व्हील के इस केस में जो हम यहां पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं वो क्या है, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तो है ही, साथ ही साथ ये कौन सी एफिशिएंसी और है, रनर बकेट और व्हील एफिशिएंसी भी है। हम यहां क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं, रनर बकेट और व्हील और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तीनों चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यहां पे सारी एफिशिएंसीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा इस रिलेशन को लेके। तो ये रिलेशन यदि हम देखेंगे तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या क्या चीज हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, हमें दिख रहा है रो ए, रो ए कट जाएगा। ठीक है, वी वन कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ठीक है, टू ऊपर चल देगा तो हमारा एक्सप्रेशन हमें क्या मिलेगा, टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू बाई वी वन स्क्वायर। ये हमें यहां पे क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा किसका, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसके पहले वाले वीडियो में पेल्टन व्हील का जब हमने वीडियो पढ़ा था तो वहां पे हमने VW1 और VW2 की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी थी, उस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम अपने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में उन वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, हमने पेल्टन व्हील के केस में देखा था कि जो VW1 होता है वो किसके बराबर हो जाता है, V1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो VW2 था उसका भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्या था वो, VR2 cos phi माइनस U2, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, VR1 cos phi माइनस U, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2U ब्रैकेट में VW1 की वैल्यू हमने वहां क्या निकाली थी, V1, ठीक है, प्लस VW2, VW2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, VR2 cos phi माइनस U, V1 स्क्वायर। ठीक है, हमने यही वैल्यू निकाली थी। यहां पे जो हमारा VR2 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, VR1 के बराबर है, तो हम इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, सिंपली VR1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, VR1 भी लिख सकते हैं। अब VR1 है तो VR1 को हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां पे VR1 भी लिख सकते हैं, या हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, इसे V1 माइनस U। ठीक है, तो चलिए एक और स्टेप ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, 2U ब्रैकेट में V1 प्लस V1 माइनस U cos phi माइनस U डिवाइड बाई V1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक इस एक्सप्रेशन में आप एक चीज देख सकते हैं कि देखिए V1 माइनस U यहां पे है और यहां पे एक माइनस U भी है। यदि हम इसको यहां ले लें तो V1 माइनस U 2 हो जाएगा, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम कॉमन निकाल देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2U V1 माइनस U, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस cos phi डिवाइड बाई V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये क्या है, हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कंडीशन निकालेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी की। ठीक है, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V1, ठीक है, यदि हम एक V1 की पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है, कि V1 इस वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, मतलब जो ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है ये किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन U1। ठीक है, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, U1 पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको U1 से डिफरेंशिएट करेंगे और क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो करेंगे, मतलब डी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बाई DU इक्वल टू जीरो। यदि हम इसको इक्वेट जीरो से करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, कंडीशन मिलेगी किसकी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की। तो चलिए हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को DU के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो से इक्वेट करते हैं, तो D बाई DU हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, ये 2U V1 माइनस U ब्रैकेट में 1 प्लस cos phi डिवाइड बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट वाली कौन कौन सी टर्म मिलेगी हमें, ये 1 प्लस cos phi और ये V1 स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos phi डिवाइड बाय V1 स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, D बाई DU ब्रैकेट में 2U V1 माइनस U। ठीक है, ये अंदर में हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, D बाई DU, सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हम उसको अंदर इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2U V1 माइनस 2U स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये वाली टर्म हमारी चली रही है, 1 प्लस
कॉस फाई बाई वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहां पे बाहर में ये टर्म तो रखी हुई है, वन प्लस कॉस फाई बाई वी वन स्क्वायर, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, यू है, यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस अब ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा और टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो फोर यू, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, टर्म मिल जाएगी। अब यदि हम यहां पे एक चीज देखते हैं, सिंस, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इवेंचुअली इस टर्म को क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है, ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये वाली जो हमारी टर्म है, ये वाली टर्म तो हमारी जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यही वाली टर्म जीरो होगी, ठीक है। तो वन प्लस कॉस फाई बाई वी वन स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो देयरफोर क्या हो जाएगा हमारा, जो बाजू वाली टर्म है, ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिल जाएगी। वी वन, ठीक है, जीरो से इक्वेट कर रहे, इसको उठा के यहां ले आते हैं, फोर यू को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर यू, ठीक है। अब यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, वन और ये टू, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 वन बाई टू, ये क्या आता है हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, u इज इक्वल टू वी वन बाई टू, मतलब जब हमारी ब्लेड वेलोसिटी आधी होगी किसकी, जेट वेलोसिटी की, तब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी पेल्टन व्हील में, ब्लेड वेलोसिटी इज हाफ ऑफ जेट वेलोसिटी, ठीक है। इस केस में क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन मिलेगी। अब हम एक और चीज क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वाले एक्सप्रेशन में। कौन से एक्सप्रेशन में पुट करेंगे हम, ये वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो अभी तक हमने कोई भी इक्वेशन नहीं मानी, तो चलिए हम मान लेते हैं इसको अपनी इक्वेशन वन, इसी में हम पुट कर लेंगे। तो यहां पे यदि हम हमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिलेगा, तो चलिए पहले पुट करके देखते हैं। यदि इस वैल्यू को हम वहां पुट कर दे तो हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, टू यू, हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी वन बाई टू, ठीक है, यहां पर भी वी वन बाई टू और वी वन की वैल्यू ऐसी रहेगी, तो चलिए वैल्यू लिखते हैं, टू वी वन बाई टू, फिर यहां ब्रैकेट में क्या है, वी वन माइनस यू है, तो माइनस वी वन बाई टू, यहां पे ब्रैकेट में वन प्लस कॉस फाई है, ठीक है, और नीचे में क्या है हमारा, वी वन स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारी, वी वन स्क्वायर। अब हम यहां से देखते हैं कि क्या क्या चीज हमारी कैंसल आउट हो जाएगी, यहां से तो नॉर्मली दिख रहा है कि ये दोनों टू तो कैंसल आउट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये वन माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो यदि यहां से एक से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, वी वन बाई टू बचेगा, मतलब ये पूरी टर्म का, ठीक है। अब यहां पे एक और वी वन है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वी वन बाई टू का क्या हो जाएगा, यहां पे वी वन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एक वी वन का स्क्वायर है, तो मतलब वो दोनों टर्म हो जाएगी क्या, कैंसल आउट हो जाएगी, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ टू बचेगा। आप समझ सकते हैं मैं कैसे बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मतलब ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब सिर्फ टू बचेगा और ये वाला भी हिस्सा कट जाएगा, तो मतलब हमारा जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस फाई बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलिए हम एक और चीज देखते हैं, ये एक्सप्रेशन हम हमेशा यूज कर सकते हैं कि हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल है, यदि हमारा ये फाई की वैल्यू हमें मिल गई तो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करके सीधा क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम एक और नोट देखते हैं, यदि हम नोट की बात करें तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है,
कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से वी आर वन इक्वल टू वी आर टू लेके नहीं चलते, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक जो हमारा लॉसेस हो रहा है उस लॉस को कंसिडर करके चलते हैं। यदि आप भी इस डेरिवेशन में उस लॉस को कंसिडर करके चलेंगे तो आपका भी एक्सप्रेशन कैसा आएगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वन प्लस के कॉस फाई बाई टू, ठीक है, वेयर यहां पे जो हमारा k होगा वो k क्या क्या चीज के लिए स्टैंड करेगा, वी आर टू बाई वी आर वन, ठीक है। यदि ब्लेड एकदम स्मूथ रहता है जो केस हम लेके चले तो उस केस में क्या हो जाती है, हमारी k की वैल्यू 1 हो जाती है यहां पे, ठीक है। बट बहुत सारे आप दूसरे डेरिवेशंस देखेंगे या आप दूसरे अलग अलग बुक्स के डेरिवेशंस देखेंगे तो वो ये डेरिवेशंस में पूरा क्या करते हैं, यहां पे k लेके चलते हैं हमेशा, ये वाली जो पूरी वैल्यू है यहां पे वो k लेके चलते हैं। ऑब्वियसली बात है एक्सप्रेशन वही आएगा, कोई फर्क नहीं होगी, बट हमारे लिए जानना जरूरी है कि यदि दोनों रिलेटिव वेलोसिटी सेम नहीं है और यदि वो फैक्टर ले रहा है यहां पे तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुई एक चीज, एक और चीज के बारे में हम देखते हैं क्या, कि यदि हमें k की वैल्यू दी रहे, कितनी k की वैल्यू हमें 1 दी गई है, इफ k इक्वल टू 1, ठीक है, और हमें फाई की वैल्यू भी दी गई है कि फाई हमारा कितना होगा, फाई हमारा 15 डिग्री दिया गया है। यदि ये दो वैल्यू को मैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में पुट करता हूं तो हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगी, यदि इन दोनों वैल्यू को मैं पुट करता हूं तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 98.6% हमें वैल्यू मिलेगी यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब आप देखिए कि यदि हमारा फाई 15 डिग्री होता है तो हमारी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा मिल सकती है, बट ये के की वैल्यू 1 नहीं होती है रियल लाइफ में, बट यदि 1 हुई तो देखिए आप हमें एफिशिएंसी कितनी ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पेल्टन व्हील का पूरा डेरिवेशन, हमने अपना पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, किसका, पेल्टन व्हील का। अब इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो पॉइंट हमें रिमेंबर होना चाहिए, जैसे स्पीड रेशियो, जेड रेशियो, नंबर ऑफ बकेट्स, ये सब चीज के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने पेल्टन व्हील का लास्ट चीज शुरू करते हैं, तो लास्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कि पेल्टन व्हील के डिजाइन में, डिजाइन नहीं बोल सकते आप, मतलब उसकी अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में और अलग अलग चीज दी हुई है तो। इन पेल्टन व्हील, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए इसमें, ये आप मैक्सिमम कोई भी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उन टेक्स्ट बुक में इन चीजों का जिक्र होता ही है, ठीक है। सबसे पहले हम चीज देखते हैं क्या, स्पीड रेशियो, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं, कोई कोई लोग के यू से भी डिनोट करते हैं, बिल्कुल आप वो मत होजिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होजिएगा कि ये फाई भी वही है और हम वहां पे आउटलेट का जो वेन एंगल रहता है उसको भी हम फाई लेते हैं, सॉरी ब्लेड एंगल वो रहता है उसको भी हम फाई लेते हैं, ये अलग चीज है, हम इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, के यू से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो स्पीड रेशियो होता है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, यू बाई वी वन, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्पीड रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, और यू की वैल्यू दी रहेगी, आप उससे वी वन कैलकुलेट कर सकते हैं या कोई दो वैल्यू में से आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू बाई अंडर रूट टू जी एच नेट, ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वी वन का ही फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टू जी एच नेट होता है, ठीक है। अब हम सेकेंड चीज के बारे में बात करते हैं, वो ये होगी कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप 165 डिग्री एज्यूम कर लें, ठीक है। इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज नॉट गिवन, एज्यूम 165 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 180 से 165 को माइनस करेंगे वो फाई एंगल निकालने के लिए, ठीक है। अब थर्ड चीज इसमें क्या होती है, एक होता है जेट रेशियो, ठीक है। जेट रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का,
ठीक है। यदि हम यहां पे डी की बात करें तो डी क्या होता है हमारा, किसका, डायमीटर ऑफ व्हील, या मीन डायमीटर भी बोल सकते हैं हम, पिच डायमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीन या स्लैश पिच डाया ऑफ व्हील, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, हमें एक फॉर्मूला भी पता है क्या होता है हमारा, U इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाई 60, ठीक है। यही डी क्या है, पिच या मीन डाया ऑफ व्हील का, हमारे रनर का, ठीक है, ये उसका डाया होता है। हम इससे यहां से डी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी हमारा क्या होता है, जेड का डायमीटर। हमने अपने एनालिसिस में देखा है कि हम वहां पे स्मॉल डी से डिनोट करते थे जेड के डायमीटर को, तो ये स्मॉल डी हमारा क्या होता है, ठीक है, जेड डायमीटर, या हम बोल सकते हैं उसको डायमीटर ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हो गया जेड रेशियो। उसके बाद हम अपनी फोर्थ चीज देखते हैं, क्या, नंबर ऑफ बकेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 15 प्लस कैपिटल डी बाई 2d, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। अब आप एक और चीज कर सकते हैं कि यहां d बाई डी को, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हमारा जेट रेशियो होता है, तो हम उससे वहां पे उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यदि आपको नंबर ऑफ बकेट्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन, 15 प्लस 0.5 इंटू एम, ये वाला एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं कि जब भी आपको नंबर ऑफ बकेट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ जेट्स, ठीक है, कि एक पेल्टन व्हील में कितने नंबर ऑफ जेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है, यदि किसी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में पेल्टन व्हील माउंटेड है तो लिमिटेशंस रहती हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि आप दो ही जेट उसमें यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप जेट यूज नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई वर्टिकल शाफ्ट है और उसमें पेल्टन व्हील लगी हुई है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स आप कितने यूज कर सकते हैं, 6 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज की मदद से, ठीक है। तो नंबर ऑफ जेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम पेन स्टॉक डिवाइड बाई डिस्चार्ज पर जेट, ठीक है। हम नंबर ऑफ जेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जेट से कितना डिस्चार्ज हो रहा है और हमें टोटल पेन स्टॉक से कितना डिस्चार्ज मिल रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी फिफ्थ चीज। अब एक लास्ट सिक्स चीज हमारी क्या होगी, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ना, ऑब्वियसली बात है, जो टर्बाइन रहती है वो जनरेटर से कपल्ड रहती है, तो आपको ना फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और नंबर ऑफ पोल्स दिया रहेगा, बट आपको स्पीड नहीं पता होगी। तो उस रिलेशन से हम क्या करते हैं कि टर्बाइन की हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, पी एन बाई 120, और जो यहां पे फ्रीक्वेंसी होगी वो किस में होगी, हर्ट्ज में होगी, ठीक है, हर्ट्ज में हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। और यदि हम यहां पे पी की बात करें तो पी हमारा क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, और एन क्या है, हमारी स्पीड, ठीक है, कोई भी स्पीड हो कोई दिक्कत नहीं, कपल्ड रहते हैं जनरेटर और टर्बाइन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स दिए रहते हैं बट आपको स्पीड नहीं पता होती, तो ये एक्सप्रेशन को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड निकाल सकते हैं आगे की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज हमें जरूरी है पेल्टन व्हील में जानने के लिए। पेल्टन व्हील के मामले में हमने सारी चीज कवर कर ली, जितनी भी चीज उसमें पढ़ते हैं, आप कोई भी बुक्स देख लीजिए, जितना भी लोग उसमें पढ़ते हैं, हमने अपनी सारी चीज कवर कर ली। अब अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम किसके बारे में, रेडियल फ्लो टर्बाइन्स के बारे में हम शुरू करेंगे पढ़ना। थैंक यू।